आज मैं इतना अच्छा वीडियो लेके आई हूँ, लोग खास उन्हीं के लिए जो वीडियो है, जो नए यूट्यूबर हैं उनको जो ज्ञान नहीं होते, मैं कुछ फंट बहुत सर्च करके लाई हूँ। आपकी टेक्निकल दादी आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आती है जिससे कि आप वीडियो बनाओ और गिरो हों। और यूट्यूब में जब यूट्यूब के लिए अपन मोनिटाइज के लिए भेजते हैं तो यूट्यूब आपके कितने क्या क्या चेक करता है, ये मैं कुछ पॉइंट लिख के लाई हूँ। अगर आपने इन पॉइंटों पर ध्यान दिया तो आपके चैनल मोनिटाइज होगा, 100% आपका चैनल मोनिटाइज होगा। यूट्यूब क्या चेक करता है ये किसी ने नहीं बताया होगा आपको, बड़े बड़े यूट्यूबरों ने भी नहीं बताया, ये मेरे को सर्च करके इतनी मेहनत से लाई हूँ। आप वीडियो को पूरा देखिए और आप उसको भगा भगा कर नहीं देखोगे तो आपको समझ में आएगी। अगर एक पॉइंट भी छूट गया तो आपके चैनल मोनिटाइज में दिक्कत आ सकती है। इसलिए आपने एक साल, दो साल, छः महीने, चार साल, कोई कोई तो चार पाँच साल भी मेहनत करता है मगर आपका चैनल मोनिटाइज नहीं हो पाता, क्योंकि अपन कुछ गलती करते और अपनी मेहनत फालतू चली आती है। इसलिए मैंने कहा पहले ही आप अपने चैनल पर ये पॉइंटों का ध्यान रखोगे तो आपका चैनल छट गया मोनिटाइज में। चलो अब आप फालतू बातें नहीं करते, अब मैं आपको अपने टॉपिक पर ले चलती हूँ। दुखनी का चैनल है, इनको सपोर्ट कीजिए, नए हैं और कमेंट अच्छा करते हैं, आपके सबके वीडियो देखते हैं, आप इनके चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर आप भी मेरे वीडियो को फुल देखोगे और मेरा वीडियो फुल देखोगे, अच्छे प्यारा सा कमेंट करोगे तो मैं अगला प्रमोशन आपका कर दूंगी। मैं आप चलो अब मैं बताती हूँ अपने टॉपिक पे आते हैं। क्या है कि आपको सबसे पहले YouTube क्या देखता है कि YouTube का चैनल की उम्र कितनी है, चैनल की उम्र कितनी होना चाहिए, YouTube के चैनल की उम्र होना चाहिए एक महीने की पूरी। एक महीने की चैनल की उम्र होगी अगर आपने चैनल बनाया और आठ दिन में ही अपने चैनल ने टारगेट पूरा कर लिया तो अपन मोनिटाइज के लिए भेजेंगे तो मोनिटाइज नहीं होगा, उसकी उम्र एक महीने की होना चाहिए जब ही आपका चैनल मोनिटाइज होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, आपको अपने सब्सक्राइबर कितने होना चाहिए जब आपका चैनल मोनिटाइज हो जाए, आपको पता भी है, बहुत से लोगों को पता है 1000 सब्सक्राइबर होंगे जब ही आपका चैनल मोनिटाइज होगा। वैसे तो 500 सब्सक्राइबर पर भी मोनिटाइज हो जाता है और 3000 घंटे, मगर ये हाफ मोनिटाइज हो जाए इससे आपको विज्ञापन से पैसे नहीं मिलते, आपको फुल मोनिटाइज पर ही ध्यान देना है। आपको कितने 4000 घंटे पिछले एक साल के अंदर आपको 4000 घंटे पूरा करना होंगे जब ही आपका चैनल मोनिटाइज होगा। आप सोचोगे कि अब मेरे 1000 सब्सक्राइबर, एक साल पूरा हो गया है और मेरा चैनल मोनिटाइज नहीं हुआ तो क्या होगा, इसमें भी घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपका एक साल भी हो जाता है तो अभी आपने एक साल के में बढ़ा है ना घंटे, जैसे 2 घंटे 3 घंटे बढ़े हैं वो माइनस होती हैं, पूरे के पूरे घंटे माइनस नहीं होते। गुणवत्ता देखता है कि जो चैनल के कंटेंट के यूट्यूब के आप अपलोड कर रहे हो तो उसका कंटेंट यूट्यूब के शर्तों के अनुसार होना चाहिए, जो यूट्यूब के नियम है उनका पालन करते हुए उनके शर्तों के नियम के अनुसार होना चाहिए। 5वां पॉइंट क्या है, कॉपीराइट क्लेम नहीं होना चाहिए, जैसे कॉपीराइट क्लेम आ जाती है तो वह कॉपीराइट क्लेम नहीं होना चाहिए, जैसे कि अगर आपके चैनल पर कॉपीराइट क्लेम आ गया तो आपको क्या करना है, उसका हटने का इंतजार करना चाहिए। आप सोचोगे कितने दिन में हटेगा, ये 90 दिन में अपने आप हट जाता है, उसका इंतजार करोगे जब आपको भेजोगे तो आपका चैनल मोनिटाइज होगा। अगर कॉपीराइट क्लेम है तो आपने भेज दिया तो आपका चैनल मोनिटाइज नहीं होगा। जैसे चैनल की गतिविधियों और नियम के अनुसार चैनल होना चाहिए, जो YouTube के नियम और हैं उसके आधार पर आपका चैनल के आधार पर होना चाहिए, जिससे कि आप उसी समय भेजोगे तो आपका चैनल मोनिटाइज कर दिया जाएगा। और आप 7वां क्या है कि दर्शनों की प्रगति के, जैसे दर्शन जो देख रहे हैं उनके आधार पर आपका चैनल होना चाहिए कि वो आपके दर्शन देख रहे हैं उसको उनको अच्छा लगना चाहिए जब भी आपका चैनल मोनिटाइज होगा। जैसे कि कोई गलत वो डाल देते हैं तो चैनल गलत बना रहे हैं तो आपने दर्शनों को गलत कमेंट कर रहे हैं तो उससे आपका चैनल मोनिटाइज नहीं होगा। इसे यूट्यूब के नियम और शर्तों के अनुसार होना चाहिए, यूट्यूब के जो नियम है उसके आधार पर और आपके जो विषय बन आप वीडियो डालते हो उसके आधार पर होना चाहिए। और 9वां क्या है कि आपका
चैनल विज्ञापन देने के लायक हो जाए। अपन गलत बना रहे हैं तो अपन विज्ञापन नहीं दे पा रहे हैं, विज्ञापन देने लायक होना चाहिए, जिससे कि कंपनी है विज्ञापन दें तो जब आपकी कमाई होगी और यूट्यूब की कमाई होगी। इसमें क्या है, 55% अपन को देता है, 45% खुद रखता है, तो आप विज्ञापन ही नहीं आएंगे तो कमाई क्यों होगी। इसलिए यूट्यूब आपके उस चैनल उसको मोनिटाइज नहीं करता। दसवां क्या है, दसवां आखिरी का पॉइंट, ये जो नियम है शर्त हैं उनके पालन करते हुए आपका चैनल बना होगा तो आपका चैनल जब मोनिटाइज के लिए भेजोगे तो आपका मोनिटाइज हो जाएगा। इस प्रकार आपने अगर आप मोनिटाइज के लिए भेजा है, अगर आपको ये सब नियम का पता लगा है और आपने पूरे नियमों को फॉलो करा है तो आपका चैनल मोनिटाइज हो जाएगा और बिना किसी समस्या के आपका चैनल जल्दी मोनिटाइज होगा। अगर आपने इस तरह से पूरे नियमों का पालन करते हुए आपने यूट्यूब पे आयो और अपने वीडियो में पूरे नियम का पालन करा है, आपके यूट्यूब में जब आप मोनिटाइज के लिए भेजोगे तो इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। इस आपकी टेक्निकल जादी आपके लिए इतने अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आती है। अगर आपने टेक्निकल दादी के बीज को देखे तो जो नए यूट्यूबर हैं वो सत्या यूट्यूबर बन जाएंगे, अच्छी खासी कमाई कर लेंगे। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो।